नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 7। यह भी एक परीक्षा जो एकांकी है और इसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। तो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वे अच्छे से अच्छे अंक पाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में छिपा शक्तियों को जगाना है, व्यक्ति में जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उसे जगाना है और व्यक्ति को सही मनुष्य बनाना है और उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है। तो प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं और अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो, रूपक, कहानी आदि की रचना की है। तो जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उसका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है और यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पे पहला दृश्य है, प्रथम दृश्य की पर्दा उठता है क्योंकि ये एकांकी है। बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। तो एक बालक कहता है, कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश लिए हुए हैं, वह कहता है, बूट पॉलिश। एक राहगीर यानी कि मुसाफिर से कह रहा है कि बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँगा। क्या कहता है कि बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँगा। तो राहगीर यानी कि मुसाफिर कहता है, नहीं रे परे हट। तो यहाँ से उसे ऐसा हट करके उसे भगा देता है। तो बालक कहता है, बूट पकड़ कर आईना बना दूँगा जूतों को। आईना यानी कि दर्पण, आईना का मतलब क्या है, दर्पण, कि जूतों को क्या बना दूँगा, दर्पण, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। बच्चा क्या कहता है बालक, कि आप जूते में अपनी शक्ल देखना, शक्ल यानी कि आपका चेहरा देखना, फिर पैसा देना, सिर्फ 2 रुपये है। तो बूट पॉलिश करवाने के कितने रुपये हैं, 2 रुपये। राहगीर कहता है, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक यानी कि चमड़ी से चिपक कर खून पीने वाला एक जल जंतु। जोंक क्या है कि चमड़ी से चिपक कर, चमड़ी अपनी होती है उसे चिपक कर खून पीने वाला एक जल जंतु है। तो कहता है कि उसकी तरह चिपक जाता है बाघ। तो राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर यानी कि उसे फेरियाँ भी बोलते हैं हम, अखबारों का बंडल लिए आता है। तो हाकर कहता है अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण यानी कि फिर से बनाना, उसकी नई रचना करना। जो मकान भूकंप से गिर गए हैं उस मकानों को फिर से बनाना, उसकी नई रचना करना। छात्राओं की फीस माफ़, ताज़ा खबर में क्या है, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ़, स्कूल्स के लड़कों ने डाकू पकड़ा। क्या आगे की खबर क्या है, ताज़ा खबर आज की, कि स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। तो ऐसी आवाज़ लगाता है तो कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं और दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में है केतली। तो इस दृश्य में आप सबको देख सकते हो, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसमें आप सब ये सब देख सकते हो कि एक बालक है, कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश लेकर चला जा रहा है। एक बालक है जिसके अखबार हिलाते हुए आवाज़ दे रहा है कि आज की ताज़ा खबर, और एक चाय वाला बालक है जो हाथ में बाल्टी है जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली है।
आगे है कि चाय वाला कहता है कि चाय गरम चाय गरम चाय। तो एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है और दो तीन कप बिखर जाते हैं। तो चाय वाला कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। क्या कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता, मेरे कप टूट गए। तो बालक कहता है, चल चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोग जमा रहा है। क्या कहता है कि पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोग जमा रहा है, क्योंकि उसके उस पर चाय चिटक गई थी यानी कि बिखर गई थी, इसके लिए उसका पेट खराब हो गया और उसके ऊपर से कहता है कि रोग जमा रहा है। तो दोनों लड़के झगड़ते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी कि वह लाठी जिसे टेक कर अपाहिज चलते हैं। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरुद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है। रेजगारी यानी कि छूटे पैसे, रेजगारी को क्या कहते हैं, छूटे पैसे यानी कि छोटे सिक्के। भिखारी कहता है, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, बरकत यानी कि फायदा देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो एक बालक कहता है, हाथ में किताबें हैं, कहता है, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। क्या कहता है कि इधर तो स्कूल की देर, उसे स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। हूँ जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल के गिनता है और कहता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है। क्या कहता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है, तू देगा, ऐसा कह के वहाँ से, एक बालक भिखारी को ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। भिखारी कहता है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, बेसहारा यानी कि निसहाय हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी कि भगवान है, सबको कौन देता है, भगवान देता है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। तो भिखारी चीख कर कहता है, रे हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। क्या कहता है भिखारी कि मेरी टांग टूट गई, क्या, क्योंकि वो साइकिल पर बालक जो आ रहा था वो बूढ़े से टकरा गया और बूढ़ा गिर पड़ा, इसीलिए वो बूढ़ा भिखारी कहता है कि मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूँ। तो साइकिल वाला कहता है, कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है और कहता है कि अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, ऐसा कह के साइकिल पर जाता है क्योंकि उसकी परीक्षा का आज पहला दिन था। भिखारी कहता है, पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। भिखारी कहता है कि कोई भला मानुष यानी कि कोई भी भले मनुष्य मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। तो ऐसी आवाज़ में वो पुकार रहा है तो एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता, उसके हाथ में क्या है, बस्ता है। तो बस्ता, बस्ता यानी कि क्या, तो बस्ता यानी कि थैला, बस्ता यानी कि थैला, जिसे जो हम बैग जिसमें हम पुस्तकें रख के आते हैं वह थैला। तो कहता है विद्यार्थी कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा। विद्यार्थी जो बूढ़ा भिखारी था उसे कहता है कि क्या हो गया बूढ़े बाबा। उसकी टांग देखकर कहता है, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है, कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है। जो बिखर गए थे पैसे रोटी उसके कटोरे में था तो वो टकरा गया, उसकी वजह से दूर पड़े थे वो
उसे कटोरे में डालकर देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा और इसमें 7 रुपये हैं। भिखारी कहता है कटोरा लेकर कराहना यानी कि दर्द भरी आवाज़ निकाल के कहता है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, उत्तीर्ण यानी कि सफल करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, क्या कहता है कि मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो। और भिखारी ने क्या कहा बच्चे को कि मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। तो विद्यार्थी कहता है लकड़ी थाम कर, लो यह रही लकड़ी। इतने में स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, क्या कहता है विद्यार्थी कि पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। क्या था आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बूढ़े से कहता है बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, चोट यानी कि आपके पाँव में तो घाव लगा है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोता हुआ स्वयं से कहता है उधर परीक्षा का समय और इधर यह अंधा बाबा, क्या करूँ। तो उसकी अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई तो विद्यार्थी कहता है बाबा से कि चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुँचा दूँ। तो विद्यार्थी उसे सहारा देकर ले जाता है। यहाँ पे दूसरा दृश्य है, प्राध्यापक कक्ष है और प्राध्यापक की तख्ती के पीछे प्राध्यापक की जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। तो अध्यापक कहता है सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, अनुपस्थित यानी कि वो हाजिर नहीं है, गैर हाजिर है। तो प्रधानाध्यापक कहता है कि क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेघावी छात्र है, मेघावी यानी कि होशियार है, मेघावी यानी कि वह प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान लड़का है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो लेकिन ठहरो, क्या कहता है किसी को स्कूटर लेकर भेजो, उन्हें लेने के लिए भेजने को कहता है, लेकिन इतने में कहता है लेकिन ठहरो मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। ऐसा कह के फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन करते हैं, हलो हलो हलो, हाँ मैं अध्यापक बोल रहा हूँ। वो देवेंद्र के घर पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है और आज पहला दिन है, वो आया क्यों नहीं अभी तक, है घर से आश्चर्य से है घर से निकले घंटा भर हो गया। तो सामने उसके माता पिता को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि उसको निकले हुए तो घंटा हो गया। तो प्रधानाचार्य कहते हैं कि घर से निकले घंटा भर हो गया, प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, पता लगाओ भाई वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है, उत्तीर्ण यानी कि सफल और श्रेणी यानी कि दर्जा, वह प्रथम श्रेणी में यानी कि प्रथम दर्जे में उत्तीर्ण होने वालों में से है। और फोन रखकर कहता है उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए, देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। प्रधानाध्यापक क्या कहते हैं कि वह आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना, वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो अध्यापक का जाना, तो अध्यापक चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना स्कूल में। तो देवेंद्र कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, क्या कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ। तो प्रधानाचार्य कहते हैं अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक। तो देवेंद्र कहता है घबराया हुआ है और घबराए स्वर में कहता है अस्पताल सर,
तो प्रधानाध्यापक कहते हैं कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? क्या कहते हैं प्रधानाध्यापक कि परीक्षा वहाँ हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? उसके देवेंद्र के पेंट पे खून के धब्बे थे, तो कहते उन्हें देखे उन्होंने और कहते हैं कहीं गिर पड़े थे क्या? तो देवेंद्र कहता है जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी और उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई और वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, यानी कि दर्दभरी आवाज़ निकल रहा था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर, ऐसा कह के वह प्रिंसिपल से जो आचार्य थे प्रधानाध्यापक उसको उसे माफ़ी मांगता है। तो प्रधानाध्यापक कहते हैं शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया, तुम्हें मालूम था कि परीक्षा का समय है फिर भी तुमने अपना कर्तव्य, अपना जो फर्ज है वो निभाया, इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है, ये परीक्षा जो है यानी कि इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है, कीमती यानी कि मूल्यवान होती है, जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है, ऐसा कह के प्रधानाध्यापक देवेंद्र को उसके कमरे में जहाँ पे उसका नंबर है वहाँ पे भेज देते हैं और देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं और वो फ़ोन पर कहते हैं हेलो सेन साहब, जो देवेंद्र के पिता हैं उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर वह आया है, अरे भाई इस परीक्षा में तो पास होगा ही किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत यानी कि मानवता की परीक्षा में पास हो गया है, ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, आपको बधाई, ऐसे कह के प्रधानाध्यापक देवेंद्र के पिता को बधाई देते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं कि राहगीर यानी कि मुसाफिर, आईना यानी कि दर्पण, शक्ल तो चेहरा, नवनिर्माण यानी कि फिर से बनाना, नई रचना, मेघावी यानी कि होशियार, अनुपस्थित यानी कि गैरहाजिर, होनहार तो अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य तो फर्ज, कराहना तो दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बस्ता यानी कि थैला, दफ्तर, बरकत तो लाभ फायदा, पिक्चर तो चलचित्र, बेसहारा तो निःसहाय, टांग तो पैर, सपूत तो लायक पुत्र, जख्मी तो घायल, एक्सीडेंट तो दुर्घटना, लेट तो देर से आना, इंसानियत तो मानवता, जोक तो खून पीने वाला जंतु विशेष, रेस गाड़ी यानी कि छोटे सिक्के और हाकर तो फेर लो, मुहावरे हैं कि आईना बनाना यानी कि बहुत चमक लाना, रोग जमाना यानी कि अपना प्रभाव दिखाना और नाक में दम करना यानी कि परेशान करके रखना, अभ्यास है जिसमें प्रश्न एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पहला है कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की, तो भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी और उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, देवेंद्र के लिए मानवता की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसीलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा है कि प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी, तो देवेंद्र मेघावी विद्यार्थी था और स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था, इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी,
उस अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था और इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था और इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। तीसरा है कि क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया क्यों? तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। दूसरा है कि आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे, चर्चा कीजिए। तीसरा है प्रश्न कि लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहला है मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो ये वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या होगा कि मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मेरे पास एक बड़ा संदूक है, बड़ी संदूक नहीं लेकिन बड़ा संदूक। दूसरा है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो यह वाक्य भी गलत है। सही वाक्य होगा कि मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, वो गलत। सही है कि रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथा है कि मैंने पुस्तक खरीदी, तो सही वो सही वाक्य है। पांचवा, रमेश की स्कूल विशाल है, जो गलत है। सही वाक्य बनेगा कि रमेश का स्कूल विशाल है। छठा है कि आपकी आवाज़ मधुर है, जो सही वाक्य है। सातवां है कि रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है, जो गलत है। सही वाक्य होगा कि रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आठवां कि हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, जो गलत है। सही वाक्य बनेगा कि हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नौवां कि मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, जो गलत है। सही वाक्य बनेगा कि मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। दसवां कि आज भारी बरसात हुआ, जो गलत है। सही वाक्य बनेगा कि आज भारी बरसात हुई। प्रश्न चार है कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे है कि पहला कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, जो होगा कि लड़के का वचन परिवर्तन, तो लड़का मैदान में खेल रहा है। दूसरा है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो होगा कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है। तीसरा, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो बनेगा मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथा, उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो बनेगा उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचवा, मेरी किताब वापस लीजिए, तो बनता है मेरी किताबें वापस दीजिए।